आया नहीं। समझ नहीं आ रही, इतना अच्छा मौसम है और आखिर दो सेपरेट रूम्स लेने की जरूरत क्या थी? असद, कम ऑफ इट यार, प्लीज डोंट बी अनफेयर। अनफेयर और मैं? थैंक्स। पूरी फ्लाइट तो मुझे तंग करते आए हो, प्लीज। अच्छा, ये जो फ्लाइट कैंसिल हुई है, ये भी मैंने कराई है क्या? बोलो बोलो। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, ये कुदरत के फैसले हैं, इनमें हम टांग नहीं अड़ा सकते। असद प्लीज जिद मत करो, प्लीज। कोड दाल में काला। कोड चाबी है पर ताला गुम। पागल मोची। ओ नहीं, असल कोड तो ये है *226#। जी हाँ, अब अपने यू फोन से *226# डायल करें और प्यारों से बातों के लिए खोलें सारी दुनिया के दरवाजे। जैसे सऊदी अरब, यूएई और ईरान बात करें किसी भी वक्त सिर्फ ₹2.99 में, तो सारी दुनिया में इंतहाई सस्ते रेट्स पर बात करो, मगर यहाँ नहीं, घर जाके। यू फोन से इंटरनेशनल कॉल सस्ती क्या हुई है, बाहर वालों ने भी मिस बेल देना शुरू कर दी है। उठा लिया, उठा लिया। हमारे कमरे आ गए हैं। योर रूम की बक्सा। थैंक यू। यू आर वेलकम। मैं पिछले दिनों बहुत डिप्रेशन में रही हूँ, इसका असर तो नहीं हुआ बच्चे पर? बिल्कुल होता है। जब बच्चा माँ से खुशबू और रंग ले सकता है तो जहनी परेशानी की वजह से बच्चा एबनॉर्मल भी हो सकता है। एबनॉर्मल? हाँ, लेकिन जरूरी तो नहीं है डॉक्टर। पहले तो इन्हें एडमिट करना पड़ेगा 2 दिन के लिए, अंडर ऑब्जर्वेशन रहेंगी। टेस्ट के बाद जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही मैं कुछ बता सकूंगी, क्योंकि पहले माँ है। आगे आप लोगों की मर्जी जो आप करना चाहें। आप कहना क्या चाहते हैं, कि मुझे कोई खतरा है? ऑफ कोर्स। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं समझ गया हूं। अच्छा अब असल खबर बता, जिसका मैं इंतजार कर रहा हूं सुनने के लिए। ठीक है, डन डन डन। ओह दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच। आई जस्ट वांटेड टू हियर दिस, थैंक यू सो मच। तेरी ट्रीट ड्यू है। आई कॉल यू लेटर, आई एम बिजी राइट नाउ। ओके, थैंक्स अगेन, बाय। क्या हुआ? वी गॉट अ प्रोजेक्ट, वी गॉट अ प्रोजेक्ट। What a pleasant surprise! Nice surprise. Really? क्या? बहुत खुशी हुई? No, मुझे तो लग रहा है कि मेरे आने की किसी को खुशी नहीं हुई। ऐसा लग रहा है जैसे मैं दरमियान में आ गई, है ना? नहीं नहीं, पार्टी तो बस अभी शुरू ही हुई थी। पार्टी हो रही है यहाँ तो, है ना? शुक्र है, मैं ताजियत के लिए ड्रेसअप होके नहीं आई। नहीं, वो असल में हसीना की बस खुशी के लिए वो। बस 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 बस, एक्सक्यूज देने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तो खुशी हो रही है कि मेरी गैर मौजूदगी में मेरे हस्बैंड की बर्थडे सेलिब्रेट की जा रही है। क्यों पार? ऐसी बर्थडे पार्टी है या कुछ और भी है? नहीं, वास्तव में हम दोनों की बर्थडे जब वो एक दिन होती है ना, सो और नहीं, वो यार पूछ रही थी
सॉरी, बैठ जाओ, है ना? ये जमीन भाभी है। जमीन भाभी हसीना, छोटी भाभी। नाइस पार्टी। ऑफ कोर्स, फॉर अ नाइस कपल। तुमने मार दिया पा, तुमने मार डाला। थैंक गॉड तुम ठीक हो। तुम्हें अजय शो को गहरी चोट नहीं आई? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। शो? हाँ, वो टेटनस का इंजेक्शन लगवाने आई थी। है तो तुमने एक्सरे करवाया? जरूरत नहीं है। शुक्र है कोई सीरियस चोट नहीं आई। शुक्र करो कि रुबीना को कुछ चोट नहीं आई, वरना। वो 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 रिलैक्स। फहद, रिलैक्स। व्हाट रिलैक्स? तुम्हें ये सब कुछ मजाक लग रहा है? तुम बाहर से पढ़ के आ गए हो तो तुम्हें लग रहा है कि कुछ भी तुम कर सकते हो? फहद, किसी की भी जान तुम्हारे लिए खेलने के बराबर है, और अगर तुम्हें अपनी तेज रफ्तारी का शौक पूरा करना है तो कहीं और जाके करो। फहद, इसमें असद की कोई गलती नहीं है, मैं टैक्सी में आ रही थी। चले चले। आज तक मुझे कोई खुशी नहीं थी, कभी कोई खुशी नहीं थी। 3 साल मैंने बच्चे के ताने सुने, क्या कुछ बर्दाश्त नहीं किया? क्या कुछ नहीं बर्दाश्त किया? हमेशा मुझे बुरा कहा। आज क्या खिला दिया तुमने मुझे? उस रुबीना की खातिर तुमने अपने बच्चे को, सब कुछ खत्म कर दिया। तुम पे भरोसा करके तुम्हारे साथ रहे, तुम क्या साथ दोगे मेरा? क्या साथ दोगे अब मेरा? क्या बचा है पास? कुछ भी नहीं। वक्त गुजर गया, वक्त गुजर गया है पास। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं। ओ, बंद करो मुझे। जरमीन अब बिल्कुल ठीक है, बट आई एम सॉरी, हम बच्चे को नहीं बचा सके। आप तो जानते हैं बच्चे के बचने के चांसेस बहुत कम थे। आए, आए मेरी बच्ची। जरमीन के अभी कुछ टेस्ट मजीद करने, वो अभी रिकवरी रूम में, थोड़ी देर में यहाँ आने वाली है। शुक्र करो बेटा कि
सिर्फ मेरी वजह से हुआ है। बात बात बेटा सब्र करो बात, तुमको हिम्मत से काम लेना है बेटा। तुम अगर जैसे हिम्मत हाथ बैठोगे तो जमीन का क्या होगा, तसल्ली तुम्हें देना है बेटा प्लीज। सुना सुना आपने फहद ने भी क्या कहा है? ऐसे नहीं कहते बेटा, और देखो जिंदगी तो चलती रहेगी ना, रुकेगी तो नहीं। खुदा तुम्हें और औलाद देगा, तुम हौसला नहीं करोगे तो जमीन को कौन संभालेगा? हौसला करो मेरे बच्चे, हौसला करो। देखो बेटा, अल्लाह कभी कभी हमें इंसानों को ना ऐसी परेशानी में डालकर आजमाइश करता है हमारी, हमको अपनी बेबसी का एहसास दिलाता है, और फिर इंसान को सब्र देकर ना उस कोई भी चीज का ना हम खत्म कर देता है, और सब्र करने वालों को उनकी भी कोई भी चीज जो है ना वो किसी और शक्ल में लौटा भी देता है। फहद मेरा बच्चा कहाँ है? तुम्हारी तबीयत कैसी है?